Continuation of the poem. An elementary school classroom in a slum. Continuation of the poem, elementary school classroom in a slum. Surely Shakespeare is wicked, and the man a bad example, and the map a bad example, with the ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped homes. Surely Shakespeare is wicked, and the map a bad example, with the ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped homes. From fog to endless night, on their slag heap, these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with a mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their map with the slum as big as doom. From fog to endless night, on their slag heap, these children were skin peeped through by bones and spectacles of steel with a mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slum as big as doom. Surely Shakespeare is wicked. Shakespeare dushte. Shakespeare evil. And the map a bad example. Map एक bad example है, क्योंकि पूरा map में बच्चों ने देख लिया लेकिन उसका जगह उसमें नहीं दिखाई दे रहे. That is why it is a bad example for them. Shakespeare is wicked. Shakespeare दुष्ट इसलिए. Where the students, where these children are living, they are facing a lot of hardships that they feel every other person to be their enemy. उनको ऐसा लगता है कि उधर के हर दूसरे व्यक्ति उसका दुश्मन है, इसलिए वो शेक्सपियर को भी दुष्ट मानता है. They are facing a lot of problem there. They feel that every person is their enemy. So they feel that Shakespeare is also evil. The map a bad example. The other thing is map. Their place is not visible in the map. So they do not like the map. They don't find the map to be a good thing. With the ships and the sun and love tempting them to steal. They are not liked or loved by anyone.
कोई उसको पसंद नहीं किया जाता है और प्यार किया नहीं जाता। देयरफॉर दे हेट ऑलमोस्ट एवरीवन। प्यार का नाटक करता है लेकिन कोई उसको प्यार नहीं करता। प्यार कोई पसंद करने का नाटक करता है लेकिन वो ऑल आर टेम्पटिंग आइडियाज बट नोबडी लाइक दम। और उसमें विशेष करके बता रहे श्योरली शेक्सपियर इज विकट एंड द मैप ए बैड एग्जाम्पल। एक तो कारण बताए उसके जगह उसमें नहीं दिखाई दे रहे एंड विथ शिप्स एंड सन। और मैप में शिप शो कर रखा है सूर्योदय का हिसाब किताब दिखाई दे रहे लेकिन ये कुछ भी उसका जीवन में कोई काम आने वाला नहीं है। लव टेम्पटिंग टेम्पटिंग दम। प्यार का नाटक है कोई प्यार नहीं करता है। इसलिए देयर डिजायर ऑफ बीइंग लव्ड बाय अदर्स फोर्सेस देम टू स्टील। लोग ये नाटक करते हैं और इसलिए वो स्टील करना चाहते हैं। वो महसूस कर लिया कि ये सब प्राइमरी स्कूल का बच्चे होने के बावजूद वो समझते हैं उसको कोई प्यार नहीं करता तो इसलिए उसको प्यार कर कि प्यार के लिए चुपके से निकलना पड़ता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ऊपर वाले लाइन में बताया फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न देयर क्रम्पल्ड होल्स। होल इधर घर के लिए बताया उसका छोटा सा घर के अंदर वो जाके चुप रहते क्योंकि बाहर निकलने से कोई उसको पसंद नहीं करता है कोई प्यार नहीं करता है सब प्यार का नाटक करता है। ये समझने के बाद वो चालाकी से निकल जाता है और वो निकलने के बाद ये अपने अपने घरों में जाके घुस जाते हैं। छोटा होल जैसा बताया क्रैम्प्ड होल्स ही बताया उसका घर को मेटाफर का इस्तेमाल किया। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन द स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन। इस गंदगी में ये बच्चे पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक रहते। दे लिव इन स्मॉल होम्स एंड दे हैव एडजस्टेड टू लिव इन। वो उसी में रहने के लिए एडजस्ट करने लग गया मतलब सीख लिया हाँ चलो ये हमारा घर है हमें इसी में रहना। देयर लाइफ इज गोइंग टू डार्कनेस। यहाँ रहते रहते उसका जीवन अंधेरे की ओर चले जाते। दिस मीन्स देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस। उसका भविष्य भी अंधेरे में यहाँ पढ़ के कैसे निकलेगा आगे। फिर कहते हैं ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग मीन्स कमजोर गंदगी वेस्ट। यहाँ का जो वेस्ट दिखाई देते उसी के बीच में दी चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू। स्किन पीप्ड थ्रू मीन्स स्किन स्किन का अंदर से दिखाई देते बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ। ये बच्चे इतने कमजोर है इतने थिन है और उसके हड्डियां बाहर दिखाई देते हैं कपड़े के अंदर से ही तो समझ में आ जाता है तो कपड़ा भी कैसे है चिपका हुआ कपड़ा होगा उसी के अंदर से उसका बोन दिखाई देता है। ये उसकी कमजोरी दिखाई देते है मैल न्यूट्रिशन दिखाई देता है उसकी स्थिति दिखाई देते है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको खाने के लिए पर्याप्त कुछ नहीं मिलता है इसलिए उसको इसी उम्र में चश्मा लगाना पड़ रहा है। स्पेक लगा रखा है वो भी इतना क्या है स्टील वाला। स्टील वाला स्पेक का मतलब यही है कि बस वो सस्ता है
जो माल न्यूट्रिशन की वजह से उसका आंखों की रोशनी तक कम हो गई, अंधेरा में रहता है और इसलिए भी कम हो गए, इसलिए उनको छोटी उम्र में क्या करने लगा करना पड़ा, स्पेक्टेकल यूज़ करना पड़ा, वो भी सस्ता। उसके कांच देखो, विथ मेंडेड ग्लास, कांच टूटा हुआ है लेकिन उसको ज्वाइन कर रखा है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। उसको देख के पत्थर में चिपका हुआ कांच का टुकड़ा जैसे दिखाई देता है। वो हमारे जो कांच टूटा है तो हम तो कांच मरम्मत करके यूज़ नहीं करता है, उसको चेंज करना पड़ता है उसका, वरना उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, आंखों में इतना और इफेक्ट पड़ेगा। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, पूरा दिन इस एरिया में, इस अंधेरी भरी या अस्पष्ट जगह में उनको रहना पड़ता है, धुंध भरी जगह में रहना पड़ता है। धुंध धूल की वजह से और गंदगी की वजह से, अंधेरे की वजह से होता होगा, तो यहाँ रहना पड़ता है। सो ब्लॉट देयर मैस विद स्लम आस बिकास डू डू मैंने विनाश। उसके जो बस्तियां बढ़ते जा रहे, बस्तियां बढ़ते जा रहे, इसका मतलब और लोग आएंगे, वो उनका विनाश की ओर ले जाते। कभी कहते दिस क्रिशर सो तीन, ये इतना पतला है दैट वन कैन ईजिली सी देयर बोन थ्रू देयर स्किन, कोई भी उसका शरीर से, उसका स्किन से, उसका शरीर का हड्डी अच्छी तरह देख सकता है। उसका स्किन को लाइट लेयर वाले कपड़े से कंपेयर किया कवि ने, स्किन कपड़े का अंदर से स्किन देख सकता है, उस स्किन का अंदर से बॉन्ड्स दे सकता है। अब सोच के देखो, उसका स्किन को ऐसा बारीक कपड़े से कंपेयर करके बताया, ऐसा है इसका स्किन। अब ये प्राइमरी वालों का तो स्किन कहाँ से देखा होगा, अब हड्डी देखना है तो पसली से देखना होता, लेकिन वो तो कुछ तो पहन रखा होगा, तो फिर भी वो कहता है उसके हड्डियां बाहर दिखाई दे, हो सकता है हाथ का भी दिखाई दे रहा हो, हाफ स्लीव्स वाला कपड़ा पहन रखा हो, निक्कर पहन रखा है वो, और उसी के अंदर से बाकी जो हड्डियां हैं तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे, बाकी जहां दिखाई दे रहे। कभी नहीं उसको ऐसा देखा, वो इस तरह का मतलब जो कमज़ोर प्राणी है सब, देयर स्किन इज लाइक द थिन लेयर ऑफ क्लोथ एंड बॉन्ड्स बीनीथ आर विजिबल थ्रू द स्किन, दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। इससे पता पड़ जाता है ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है ये बच्चे। दे वेयर स्पेक्स विच आर मेड ऑफ स्टील, स्पेक तो पहन रखा है स्टील के बना हुआ, बट दे आर वेरी चीप एंड अनकंफर्टेबल। वो चीप है साथ साथ अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल क्यों है, टूटा हुआ चिपका रखा है, उसी के अंदर से देखना मुश्किल है, इसलिए कहते हैं वो अनकंफर्टेबल है। इवन द लेंसेस इन द स्पेक्टिकल्स आर रिपेयर्ड, उसका कांच देखो रिपेयर करके रख रखा। आज दिस स्लम्स आर गेटिंग बिगर, ये बढ़ते जा रहे स्लम कच्ची बस्ती, सो दे आर गोइंग टू डिजास्टर, वो विनाश की ओर जाते, दे आर गोइंग टूवर्स डिजास्टर। द एक्सपेंशन ऑफ स्लम एरिया विल कॉज देयर फ्यूचर, इट विल डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एस्केप फ्रॉम दिस। अब बस्तियाँ ऐसे बढ़ते जाएं, और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उसका सुविधा और कम हो जाएगा, जो मिलता है वो उसका भविष्य को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, उसको आगे जाने से रोकेगा। और इस तरह से प्यार करने का नाटक करने वाले लोग हैं सब, इसलिए ये सबको दुष्ट मानते हैं या सबको दुश्मन मानते हैं,
So in their eyes, Shakespeare is also evil. Shakespeare be dushtai. The map is a bad example because their place is not shown in it. उसका जगह वो सारे जगह में देख लिया तो बोला वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप है तो उसका भी आना चाहिए, लेकिन उसमें कोई सा भी हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए उसको मैप अच्छा नहीं लगा। और लोग प्यार करने का नाटक करता है और इसलिए उसको प्यार के लिए निकलना पड़ता है, चुपके से निकलना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक ये गंदगी में रहता है, धुंध से भरा जगह में रहता है और इसलिए इसका विजन भी खराब हो गया, इसलिए उनको चश्मा लगवाना पड़ा। चश्मा भी अच्छा वाला नहीं है, सस्ता वाला लगा रखा है, उसका कांच टूटा हुआ है, उसको ठीक करके लगा रखा है, इसलिए उसको प्रॉब्लम है, परेशानियां है ही सही। उसके बस्ती बढ़ते जा रहे, ये उसका विनाश को दिखाते हो और उसको विनाश की ओर ले जाता है, ये कह के कवि ने बोला तो उसका प्रॉब्लम ऐसे ऐसा है, ये कवि ने कुछ देखा, इतना तो बहुत है, बाकी खुद सोच के देखो क्या क्या हो सकता है।